मोदी की आज सासाराम, गया और भागलपुर में हुंकार है, तो राहुल की नवादा और भागलपुर में ललकार है। फिलहाल नीतीश का बिहार है, तेजस्वी को लालटेन के दोबारा रोशन होने का इंतजार है। इन सभी के बीच तीन सवालों के इर्द गिर्द आज प्रधानमंत्री की तीन रैलियां हैं। पहला सवाल, क्या बिहार में हवा का रुख मोड़ने आ रहे हैं मोदी? अगला सवाल, क्या आज बिहार में सेट हो जाएगा चुनाव का फाइनल एजेंडा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या आत्मनिर्भर संकल्प से सुशासन बाबू को जिताएंगे मोदी? कहते हैं बिहार में सत्ता का पत्ता कभी भी सीधे हाथों से फेंटा नहीं जाता। देखिए ना, बिहार चुनाव में गठबंधन चार हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद के छह दावेदार हैं। नीतीश, तेजस्वी, चिराग, पप्पू यादव, उपेंद्र कुशवाहा, पुष्पम प्रिया चौधरी। खैर, बिहार चुनाव की मेगा कवरेज में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के सरजमी पर पहुंचने वाले हैं। गया, सासाराम, भागलपुर में मोदी की हुंकार है, नवादा, भागलपुर में राहुल की ललकार है। अभी की बड़ी खबर बिहार चुनाव से जुड़ी यह बड़ी खबर है, पीएम मोदी की आज बिहार में तीन रैलियां हैं, भागलपुर में है, सासाराम और गयापुर में प्रधानमंत्री की जनसभाएं हैं। तीन बड़ी जनसभा एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है, लेकिन उससे पहले किस तरीके की है गया की तैयारी, देखिए शुभ्रा सुमन की रिपोर्ट।